दोस्तों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हो या फिर रिसेंटली आपने किसी कंपनी में अभी जॉब की शुरुआत कर रही है और वहाँ आप टेली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, तो जब हम टेली सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं, वाउचर पे जाते हैं, हम F9 यूज़ करते हैं परचेज वाउचर के लिए, और उसके बाद हम सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो हम लिखते हैं, डेट आ जाती है, पार्टी का जो लेज़र है वो अपने सेलेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ जो ऑप्शन आता है एक परचेज लेज़र का, ठीक है, और जब इस परचेज लेजर पे आता तो और उसके सामने काफ़ी सारी हमारे जितने भी परचेज के लेजर होते हैं, परचेज हमारी GST 5% की हो सकती है, 12, 18, 28 या फिर एग्जाम परचेज हो सकती है। तो अब आपको इस कंडीशन के अंदर कौन सा परचेज लेजर यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने टेली या तो रिसेंटली सीखी है या फिर उन्होंने जस्ट जॉब की शुरुआत करी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे भाई, अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके सामने परचेज वाउचर की एंट्री आप कर रहे हो और इस टाइप के परचेज के लेजर आपके सामने खुल जाए तो आपको कौन सा परचेज लेजर वहां से सेलेक्ट करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं भी यहाँ पर अपने को परचेज लेजर सेलेक्ट करना कौन सा है। तो देखो, हम जब परचेज एंट्री करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक हमारे पास में परचेज लेजर यहाँ पे आते हैं और दूसरा ऑप्शन होता है जब हम अपने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें परचेज लेजर को सिलेक्ट करना होता है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो और उसके बाद जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपके सामने हो सकता है बाय डिफॉल्ट ये कुछ इसी तरीके का ये परचेज लेजर है जो शो आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर परचेज लेजर सेलेक्ट करना कौन सा है, ये आपको तब सेलेक्ट करना होता है जब आप कोई इनवॉइस परचेज एंट्री आप कर रहे हो और वहां पर आपके सामने कोई सिंगल टैक्स रेट की एंट्री आप कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास कोई एक परचेज इनवॉइस है, एक सिंगल आइटम उसके अंदर है और वो एक ही टैक्स के, मान लीजिए उसके ऊपर GST 5% का लगा हुआ है, या आइटम आपके पास 5 है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन टैक्स उसके ऊपर सिंगल 5% का ही लगा हुआ है सभी स्टॉक आइटम पर, तब आपको ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर परचेज 5% सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। या आपके पास में 5 आइटम है लेकिन सारी 12% की है तो आप यहाँ से 12% सेलेक्ट कर सकते हो, सारी आइटम 18% की है या सारी आइटम 28 की है तो हम सिंगल टाइप के आइटम को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपके पास जो इनवॉइस है उस इनवॉइस के अंदर 3 आइटम है, 4 आइटम है या 5 आइटम है, लेकिन सभी के ऊपर जो टैक्स रेट है उन स्टॉक आइटम का सभी के ऊपर अलग अलग है, यानी कि एक आइटम तो उसके अंदर 5% की है, 2 आइटम उसके अंदर 12% की है, एक आइटम उसके अंदर फिर 18% की है, 2 आइटम उसके अंदर फिर 28% की है, यानी कि मल्टी GST परचेज एंट्री आप कर रहे हो, यानी कि उस बिल के अंदर आपका मल्टी परचेज एंट्री आपकी हो रही है, तब ऐसी स्थिति के अंदर आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना वो इस वीडियो के अंदर अपने डिटेल के साथ अभी प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास इनवॉइस आता है और उस इनवॉइस के अंदर 5 अलग अलग टाइप की परचेज की एंट्री है और यहाँ से आपने क्या किया, एक सिंगल परचेज का लेजर आपने सेलेक्ट कर रखा है और आपने उसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जैसे अपने आएंगे तो यहाँ अपने आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम पर, यानी कि हमें यहाँ पर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करनी है। अब स्टॉक आइटम तो आपके पास में जितने भी उस परचेज इनवॉइस के अंदर होगी सभी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास में एक GST फ्री की स्टॉक आइटम है, मैंने यहाँ पर क्वान्टिटी 1 डाल दी, एक आइटम का रेट मैंने 100 रुपीज़ कर दिया। सेकंड आइटम मान लीजिए मेरे पास में GST 5% की है, क्वांटिटी मैंने 1 डाल दी, रेट इसका मैंने 105 रुपये कर दिया। एक आइटम मेरी उसी ने उसके अंदर 12% की भी है, क्वांटिटी मैंने 1 कर दी, रेट मैंने इसका 112 कर दिया। रेट कुछ भी हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद में 18% की आइटम है, एक पीस मैंने कर दिया, 118 रुपये का रेट कर दिया। और इसी तरीके से 28% की भी आइटम है, रेट मैंने इसका 128 रुपये पर स्टॉक आइटम का डाल दिया। तो यानी कि मैंने यहाँ पर सभी टाइप की परचेज एंट्री कर ली, यानी कि मेरे पास में 500 टैक्स टाइप की स्टॉक आइटम है। उसके बाद सिंपल अपने CGST टैक्स लगा देंगे और SGST टैक्स लगा देंगे, ठीक है। सिंपल इस तरीके इसको एंट्री करते हुए अपने इस वाउचर को एक्सेप्ट कर दिया। अब क्या होगा, वापिस अपने पेज अप करते हैं तो वही परचेज वाउचर अपने सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने स्टॉक आइटम डाल दी
अब आपको सबसे पहले तो एक चीज चेक करना है भी जो आपने जीएसटी के टैक्स की कैलकुलेशन कराई है वो टैक्स की कैलकुलेशन सही है या नहीं है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, एल्ट के साथ ए बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे अपने एल्ट ए बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जीएसटी का टैक्स एनालिसिस। यहाँ क्या होगा भी जो भी आपने टैक्स आइटम सेलेक्ट करी थी उसके ऊपर इसने टैक्स की कैलकुलेशन कर दी। यहाँ से अपने डिटेल के साथ ओपन करते हैं एल्ट एफ के साथ में, तो एक आइटम हमारे पास में थी 100 रुपये की, ठीक है, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, यानी कि वो हमारी जो परचेज थी वो एग्जम परचेज थी, और उसके बाद में टोटल हमारी लोकल टैक्सेबल परचेज है। तो अगर अपने टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास में 105 रुपये का हमने एक स्टॉक आइटम का रेट लिया था उसके ऊपर ये 2.5% का टैक्स कैलकुलेशन हो गया। 12% वाले पे यहाँ पे 6% की टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। इसी तरीके से 18% वाली और 28% वाली आइटम के ऊपर भी टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है। दूसरा अपने चेक कर लेंगे GSTR 2 को भी, वहाँ पर जो हमने परचेज की एंट्री करी है वहाँ पर जो हमारा ITC आना चाहिए टैक्स का उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने स्टेशनरी डिस्पेज पे जाके GST रिपोर्ट पे जाके और GSTR 2 को चेक करते हैं, और जो हमने एंट्री करी थी आप यहाँ भी देख सकते हो 563 रुपये की एंट्री है और यहाँ पर इसका टैक्स भी 37 रुपये 89 पैसे और 37 रुपये 89 पैसा टैक्स का भी आ रहा है। GSTR 3B की रिपोर्ट को अपने चेक करते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारा ITC है वो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि परचेज की एंट्री आपने बिल्कुल सही करी है, टैक्स की कैलकुलेशन भी आपकी प्रॉपर सही हो चुकी है। लेकिन अब आपको इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, अब इसका इफेक्ट आपको मिलेगा देखने के लिए ट्रेडिंग काउंट के अंदर। अब ट्रेडिंग काउंट आपको कहाँ से दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में। अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे चलते हैं, एल्ट F1 की डिटेल अपने प्रेस करते हैं। तो अगर अपने परचेज की डिटेल में जाएं तो आपको यहाँ देखो क्या दिख रहा है भी परचेज आपकी 563 रुपये की है, ठीक है। लेकिन अब जो हमने इनवॉइस की एंट्री करी थी उस इनवॉइस के अंदर हमारी एग्जाम परचेज भी थी 5 की थी, 12 की थी, 18 की थी और 28% की थी, लेकिन यहाँ पर इस परचेज अकाउंट के अंदर वो सारे टैक्स वाइज जो हमारी परचेज है वो डिफाइन नहीं हो रही है, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब ये दिक्कत हम आएगी जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हम तैयार करेंगे परसेंटेज वाइज भी, हमारी GST 5% की हमने इतनी परचेज करी है, इतनी सेल करी है, इतना स्टॉक बचा हुआ है, GST 12% की इतनी हमारी परचेज है, इतनी सेल है, इतना हमारे पास में स्टॉक बचा हुआ है, तो वो आपको डिफाइन करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब आप चाहते हो कि वो हमें परसेंटेज वाइज डिटेल दिखे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मोड है इस मोड को हमें बंद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इस वाउचर को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। मैंने डिलीट कर दिया, कोई परचेज की वाउचर की एंट्री नहीं है। वापस वाउचर पे जाओगे, अपने परचेज करेंगे, तो अब आपके सामने ये जो परचेज लेजर यहाँ पर आ रहा है ना, इस परचेज लेजर को अपने को बंद कर रहे हैं। अब बंद करने के लिए क्या करेंगे, F12 बटन प्रेस करेंगे, और F12 बटन प्रेस करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा आपके पास में, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। ये ऑप्शन आपके सामने यस रहेगा तो अपने इस ऑप्शन को नो करेंगे। जैसे मैंने नो किया, कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को एक्सेप्ट कर दिया, तो अब आप देखोगे जो मैंने परचेज इनवॉइस सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, परचेज के अंदर पार्टी का अकाउंट नंबर डाल दिया, अब जो हमने पहले परचेज यहाँ पे जो पूछ रहा था अब वो परचेज यहाँ पर नहीं आएगी। अब अपने क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से स्टॉक आइटम को वापस सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने एक GST फ्री को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी 1 डाल दी, 100 रुपीज डाल दिया, अब वो सारे के सारे परचेज लेजर आपको यहाँ दिखेंगे। अब आपको आपकी स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना परचेज का लेजर है जो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरी GST टैक्स फ्री की परचेज है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक GST टैक्स फ्री का लेजर भी एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक GST फ्री परचेज और ये अंडर में रहेगा परचेज काउंट की, GST आपका एप्लीकेबल रह जाएगा और आपका बाकी डाटा गुड्स में रह जाएगा। उसके बाद में मैंने GST 5% की परचेज 105 रुपये, लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमेटिकली 5% में उठा रहा है क्योंकि ये पहला इनवॉइस हमने एंट्री जो करी थी वो 5% में जा रहा है, ओनली सीधी परचेज में जा रही थी, लेकिन अब हमें यहाँ से परचेज 5% का लेजर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में GST 12% की स्टॉक आइटम 112 और यहाँ से फिर अपने GST 12% वाले लेजर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में 18% क्वांटिटी 1 118 रुपये का और यहाँ से फिर अपने को GST 18% परचेज का लेजर सेलेक्ट करना है। 28% की परचेज है और यहाँ पर मैंने रेट 128 डाल दिया और यहाँ पर हमें GST 28% की परचेज लेजर को सिलेक्ट करना है।
सेम सीजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन और सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन। तो टैक्स की कैलकुलेशन और जो टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हो पहले भी वही थी और अभी वही है। एंटर पढ़ते अपने इस बटन वाउचर को करते हैं सेव। अब अपने वापस फिर जाके चेक करते हैं जीएसटी की रिपोर्ट को। आप एल्ट जी पे भी शॉर्टकट जा सकते हो जीएसटीआर 2 पे। तो यहां पर भी आप देखोगे सेम वही ऑप्शन आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और टैक्स की अमाउंट आ रही है। और जीएसटीआर 3 भी की अगर अपने बात करें एल्ट जी के जीएसटीआर 3 टाइम पीरियड सिलेक्ट किया तो यहां पर भी हमारा आईटीसी उतना ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वाउचर था, सेम हमारे जीएसटी की रिपोर्ट बिल्कुल प्रॉपर बन रही है। लेकिन अब अपने चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आगे, और यहाँ एल्ट F1 डिटेल के साथ ओपन करते हैं। अब आप यहाँ देखोगे भी टोटल परचेज आपको 563 रुपये की शो हो रही है, लेकिन सारी के सारी परचेज अब आपको अलग अलग परसेंटेज वाइज भी शो हो रही है। अभी आपकी जो जीएसटी टैक्स फ्री की जो परचेज है वो 100 रुपये की है, जीएसटी 12% की परचेज आपको 112 रुपये की है, 18 वाली 118 रुपये की है, 28 वाली 128 रुपये की, और 5% वाली आपकी 105 रुपये की परचेज है। यानी कि अब हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो डिफाइन हो रहा है भी इस 563 रुपये के अंदर कौन सी परचेज हमारी कितनी है। टैक्स वाइज प्रॉपर डिटेल हमें यहाँ पर शो हो गया। हालांकि दोनों मोड से हमारे टैक्सेशन रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसका आपको जरूर इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इससे क्या होगा, हमारी प्रॉपर रिपोर्टिंग जो हमारी रहने वाली है जब हमारा 31 मार्च के बाद में जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपने अलग अलग टाइप की हमारी परचेज और अलग अलग टाइप की सेल दोनों अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिले। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी जरूर कर लेना। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।